हेलो डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजर ऑफ द सोनेट नंबर वन बाय विलियम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट नंबर वन है इसका हम फाइनल थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो लेट अस सी द थर्ड स्टेंजा दाओ देट आर्ट Now the world's fresh ornament and only herald to the gaudy spring. Within thine own bud, buriest thy content, and tender churl makest waste in negarding. तो इस इस्टजा में शेक्सपियर इज अड्रेसिंग टू दैट यूथ हु इज़ नॉट विलिंग टू प्रोक्रिएट एंड ड वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दी प्रोसेस ऑफ रिक्रिएशन ऑफ दी वर्ल्ड वो एक ऐसे युवा से शेक्सपियर बात कर रहे हैं जो आ, नेचर की प्रकृति की आ, जो क्रिएशन की श्रृंखला है उसमें वो भाग नहीं लेना चाहता वो संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहता तो हियर इंदू टू फर्स्टा वी हैव सीन दैट शेक्सपियर इज काइंड ऑफ चाइडिंग दैट यंग मैन उसको वो लगभग डांट रहे हैं कि तुम अगर ऐसा नहीं करते हो तो यू आर क्रिएटिंग अ फेमाइन वेयर अबेंडेंस लाइज जहाँ पर इतनी प्रचुरता है नेचर हैज़ गिवन यू अबेंडेंस पावर टू रिक्रिएट बट यू आर क्रिएटिंग अ हर्डल तुम एक बाधा बन रहे हो प्रकृति की क्रिएशन में तो उस तरह के विचार उन्होंने फर्स्ट टू स्टैंड में दिए हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अब यहाँ पर वो आ, उसको आ, कुछ समझाते हुए कह रहे हैं दैट दाओ दाउ दैट आर्ट दाओ मीज यू टी एच ओ यू दाउ मीज यू वाई ओ यू तुम जो हो तुम कैसे हो आर्ट मीन्स आर ए आर ई आर्ट uh, जो ए आर टी लिखा हुआ है इसका मीनिंग लिखिए आर ये इंग्लिश है इंग्लिश है तो इसका मीनिंग है आर ए आर ई दाऊ तुम जो हो तुम कैसे हो दाऊ आर यू आर नाउ द वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट हम जानते हैं बच्चों आभूषण को कहते हैं और आभूषण uh, क्यों uh, क्या पर्पस होता है ऑर्नामेंट्स आर यूज़ टू ब्यूटिफाई थिंग्स और खूबसूरत दिखने के लिए या खूबसूरत uh, uh, सजाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है सो दैट द इफ़ एनीवन वेयर्स दोज ऑर्नामेंट तो वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं या ऑर्नामेंट का एक मेटाफॉरिक मीनिंग ये भी होता है कि कुछ कोई ऐसी चीज जो कि बेस्ट क्रिएशन होती है जिस uh, जिसको यूज uh, करने के बाद या जिसको पहनने के बाद वो व्यक्ति और भी ज्यादा निखर कर सामने आ जाता है और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है तो यू आर नाउ द वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट तो यहाँ पर भी मैटोफर है ही इज शेक्सपियर इज कंपेयरिंग दैट यूथ विद इन ऑर्नामेंट यानी एक आभूषण की तरह है तुम इस संसार को तुम एट प्रेजेंट स्टेज ऑफ योर लाइफ यू आर लाइक एन ऑर्नामेंट एक आभूषण की तरह हो तुम इस पृथ्वी को सजा सकते हो यू कैन मेक दिस दिस अर्थ लुक मोर ब्यूटीफुल और मेक मोर ब्यूटीफुल तुम बहुत कुछ ऐड कर सकते हो इस नेचर में इस प्रकृति में इस पृथ्वी पर विच इज़ द क्रिएशन ऑफ गॉड और फ्रेश हो और तुम अभी यू आर यंग यहाँ फ्रेश का मतलब है यंग बिकॉज यू आर यंग एंड यू हैव पावर टू प्रोक्रिएट तो यू आर एन ऑर्नमेंट टू दी वर्ल्ड टू द नेचर तुम एक आभूषण की तरह हो एंड ओनली हेराल्ड टू द गॉडी स्प्रिंग हेराल्ड कहते हैं um, किसी आने वाले किसी समय का संदेश देने वाला और किसी नए युग को किसी नए ऐज को लाने वाला जो पर्सन होता है उसको हेरोल्ड कहते हैं इसको हम हारबिंजर भी कहते हैं एच ए आर बी आई एन जी ई आर तो तुम जो हो तुम कैसे हो यू कैन बी द फोरबेरर तुम एक नया यू कैन ब्रिग एड अ न्यू एज इन दि इन दी वर्ल्ड एक नया युग तुम लेकर आ सकते हो और वो कैसा युग होगा कैसा एज होगा टू द गॉडी स्प्रिंग गॉडी का मतलब होता है हियर यू कैन से स्प्रिंग आप जानते हैं बसंत का मौसम विच इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर तो यू कैन ब्रिंग द बेस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन एरा मानव uh, का जो इतिहास है उसका जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो भी तुम आगे ला सकते हो गॉडी यानी यू मे अंडरस्टैंड मोस्ट ब्यूटीफुल जॉयस और वाइब्रेंट पीरियड ऑफ ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में से कि ये जो है यू कैन बी द रीज़न यू यू कैन ब्रिंग मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम ऑफ द ह्यूमन रेस हो सकता है कि तुम्हारे ही द्वारा क्योंकि मे बी योर डिसेंडेंट्स मे बी सम ऑफ दैम मे ब्रिंग द बेस्ट ऑफ क्रिएशन इन दी वर्ल्ड वो कुछ नया इतना सर्वश्रेष्ठ संसार में लेके आ सकते हैं यू कुड ऑल्सो भी द रीजन ऑफ इट तुम भी उसका कारण बन सकते हो यू कैन बी दार्बेंजर और फिर तुम उसको लेकर आ सकते हो तुम उसको लाने का कारण बन सकते हो बट इफ यू आर नॉट डूइंग दैट अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम क्या करते हो विद इन दाइन ओन बड बड कहते हैं कली जो किसी फूल को बनने से पहले जो कली होती है वो बड uh, होती है विद इन दाइन ओन दाइन मीन्स योर टी एच आई यानी डाइन का मीनिंग लिखिए योर वाई ओ यू आर तो अपने ही अंदर तुम्हारे अंदर यू हैव पावर टू प्रोक्रिएट तुम यू कैन रिप्रोड्यूस तुम उस इस श्रृंखला को आगे ले जा सकते हो तो एक कली की तरह यू हैव दैट हिडन पावर विद इन यू बट यू आप क्या कर रहे हो यू आर बरीस्ट दाई कंटेंट कंटेंट बरी मीस दफन कर देना तो तुम उसको एज इट सीम्स एज यू वॉन्ट टू बरी दैट क्रिएशन विद इन योर सेल्फ कंटेंट का मीनिंग यहाँ लिखिए क्रिएशन तो वो क्रिएशन दैट कैन बी ब्रॉट इन दिस वर्ल्ड दैट ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ दी नेचर कैन बी ब्रॉट इन दिस वर्ल्ड थ्रू यू तुम्हारे द्वारा वो संसार में आ सकता है बट इट सीम्स एज यू आर बेंट अपॉन बरइंग इट तुम उसको दफन ही कर देना चाहते हो ऐसा लगता है यू डोंट वॉन्ट इट टू कम इन टू द वर्ल्ड तुम चाहते नहीं हो कि वो संसार में आए और अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या होगा नेक्स्ट लाइन में देखिए एंड टेंडर चौल यू विल बी लाइक अ माइज़र चर्ल का मीनिंग लिखिए माइजर तुम एक ऐसे कंजूस व्यक्ति की तरह हो गए जो कि क्या करेगा मेकेस्ट वेस्ट इन रिगार्डिंग रिगार्डिंग इज होर्डिंग मतलब जमा करना किसी ऐसी चीज को वो जमा कर रहा है इन अ माइजरली वे मतलब बहुत कंजूसी कर रहा है वो उस चीज़ को खर्च करने में जिससे जमा करने में नुकसान है और खर्च करने में फ़ायदा है तो यू आर मेकिंग वेस्ट मेकेस्ट वेस्ट यू में से यू आर वेस्टिंग यू विल बी वेस्टिंग द पावर ऑफ क्रिएशन जो क्रिएशन का पावर तुम्हें मिला हुआ है और तुम उसको वेस्ट कर दोगे जस्ट बाय होल्डिंग इट तुम उसको रोक के होल्ड कहते हैं जमा करना जैसे कुछ जमाखोरी लोग कर लेते हैं बिजनेस में दे वो कभी कुछ सामान को इकट्ठा कर लेते हैं एंड देन दे इंटेंड टू सेल इट एट अ हायर प्राइस ताकि जब उसकी कीमत बढ़ जाए जब कमी हो जाए मार्केट में वो उसको बेच सके बट हियर शेक्सपियर इज सेइंग कि यहाँ तुम्हें उसका फायदा नहीं होगा इट विल बी वेस्टेड ये जो है वो क्योंकि इट्स टाइम इज लिमिटेड सीमित समय के लिए होता है एंड इफ यू डोंट यूज इट विद इन दैट टाइम फ्रेम इट शैल बी वेस्टेड ये खत्म हो जाएगा एंड यू शैल बी कॉल्ड अ माइजर तुम तुमको बहुत कंजूस कहा जाएगा तो दिस विल गलत कदम होगा तुम्हारे आ, तुम्हारी तरफ से। से तो इस तरह से वो आ, कर रहे हैं, आ, एक तरह से एनकरेज कर रहे हैं टू दिस यू दैट ही शुड कंटिन्यू द लाइन ऑफ वर्ल्ड नेक्स्ट फाइनल कपलेट जो है नेक्स्ट लास्ट एंड देखते हैं पिटी टी वर्ल्ड He is, uh, Shakespeare is asking that young men to take pity on the world. Tum sansar par daya karo. Tum daya karo. tum don't do this, what you intend to do, that you don't want to uh, uh, beget offspring. Tum santan utpatti nahi karna tum don't do it for you. It is uh, because uh, creation is not only for one person, for a parent, it is for the ह्यूमन रेस ऑल्सो फॉर द नेचर ऑल्सो फॉर वर्ल्ड ऑल्सो तो तुम संसार पर दया करो तुम डोंट डू दैट और नहीं अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा और एल्स दिस ग्लटन बी और एल्स अन्यथा अन्यथा क्या होगा यू विल बी कॉल्ड अ ग्लटन ग्लटन कहते हैं बेटा कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है जितनी उसको ज़रूरत है उससे ज्यादा वो खा जाता है तो उसको ग्लटन कहते हैं तो यू शैल बी कंसीडर्ड लाइक अ ग्लटन तुम एक ऐसा मतलब तुम्हें कहा जाएगा कि तुम्हें जितना ड्यू है तुम्हारा जितना तुम्हें मिलना चाहिए तुमने उससे ज्यादा खा लिया यानी दूसरों का हिस्सा भी तुमने खा लिया नेक्स्ट लाइन में देखिए सेम आइडिया कह रहे हैं शेक्सपियर टू ईट दर्ल्ड ड्यू तुमने वो भी खा लिया ईट यू सॉलोड द वर्ल्ड दैट part also दैट was ड्यू ऑन द पार्ट ऑफ वर्ल्ड जो संसार को तुम्हें देना था वो भी तुमने खुद ही कंज्यूम कर लिया और कैसे कर लिया बाय नॉट बिगेटिंग ऑफ स्प्रिंग्स तुमने अपने संतान की उत्पत्ति नहीं की और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा बाय द ग्रेव एंड दी यू शेल डाई थोड़े दिनों बाद व्हेन यू विल डाई ग्रेव यू विल गो टू द ग्रेव एंड यू विल डाई चाइल्डलेस तुम एक Uh, बच्चे के uh, पिता बने बिना ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी एंड दिस दिस ड्यूटी ऑफ योर्स ये जो तुम्हारा एक कर्तव्य है कि आप संसार का जो चक्र है लाइफ एंड डेथ का यू शेल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन दैट एंड यू शेल नॉट बी ब्रिंगिंग एन अदर सोल इन दिस वर्ल्ड तुम किसी अन्य आत्मा को संसार में लेकर नहीं आओगे तो यू शिल बी ब्रेकिंग दैट साइकिल तो यू शेल बी कंडेम्ड गिल्टी ऑफ दैट तो तुम पर इसका दोषारोपण होगा तो इस तरह के विचार शेक्सपियर ने इस कविता में व्यक्त किए हैं आई होप आई वॉज एबल टू मेक इट क्लियर टू यू आपको समझ आया होगा और अगर आपको ये समझ आया होगा तो गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू